वास्तव में एकदम मस्त वाला कॉमेडी वाला था, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। यही नारी से दूर रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मंडी हाउस। मंडी हाउस में हम क्या करने जा रहे हैं ये हमें शीनू बताएगी। शीनू बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं थिएटर। हाय, आज हम आए हैं कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस और यहाँ पर हम देखने आए हैं प्ले। प्ले का नाम है। सो गाइस, अभी हम अंदर जा रहे हैं। काठियावाड़ा वाले मूवी से ज्यादा बेटर था। पति गए काठियावाड़। तो प्ले बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। हाउ वाज द एक्टिंग ऑफ द एक्टर्स? अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट करा था, बेटर देन आलिया भट्ट। असल हमने मूवी का नाम सुना था गंगूबाई काठियावाड़ा, बट अभी हमें पता चला पति गए रे काठियावाड़ भी ऐसा कोई प्ले है। तो प्ले वॉज ऑसम, देखकर मजा आया। और हमारा जो नाटक था वो खत्म हो चुका है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। दीदी आपको हो जाया? तो यहाँ पर पूजा फोटो खिंचवा रही है और शानू उसका फोटो खींच रही है। टू आवर्स का प्ले था। क्या है ये, कौन सा कार्टून है? डोंट नो। कार्टून देखते हो आप? बताओ कौन सा है। कार्टून अब इनको सबको भूख लग रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या खाएं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है यार, मजा आ गया। प्ले देख के मजा आ गया भाई। वास्तव में एकदम मस्त वाला कॉमेडी वाला था। एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ऐसी एक्टिंग गदर करी है आज इसने, देख के दिल खुश हो गया। पता नहीं चला कि क्या एक दो घंटे कब में निकल गए। ड्रामे का थीम था, उसमें एक राजकुमार होता है और एक रानी होती है। सबको लगता है कि उसकी रानी उसको चीट कर देगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। रानी बहुत लॉयल होती है। तो इट्स ऑल अबाउट द लॉयल्टी। सो इस प्ले में हमें सिर्फ यही बताया गया है, पराई नारी से दूर रहें। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद हम निकलेंगे अपने अपने घर। पहले चानू को और शीनू को छोड़ेंगे और फिर पूजा, मैं और पापा घर जाएंगे। बट पापा ने मेरे को मना कर दिया कि हमें रिकॉर्ड मत करो। तो हम पापा को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, फिर हम अपना सोलो सोलो। शीनू अपनी मम्मी से बहुत ही परेशान हो चुकी है। शीनू क्या बता रहे थे? एक दिन क्या कहते हैं, मम्मी कह रही थी मैं तेरे हाथ पर काट के ना तेरे से भीख मंगवाऊंगी। तो मैंने कहा मैं चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दूंगी। चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 109। शीनू ये बताओ, सिंपल टिम्पल किचन में क्या बनाना सीखा? वो टिम्पल किचन है। अच्छा, प्ले देखने में तो हमें बहुत मजा आया, लेकिन हम यहाँ पर आज रजत और ऋषिका को मिस कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ होते तो और जाता, और मजा आता। बट उसका रजत का प्रैक्टिकल था और ऋषिका दीदी की क्लास थी, तो वो आज हमारे साथ नहीं आ पाए, इसलिए हम आज 6 लोग ही आए हैं। और प्ले कैसा था? प्ले अच्छा था, बट वी आर मिसिंग देम वेरी बैड। या बाकी मजा बहुत आया था। और अगर आप लोगों को भी प्ले देखने हम मंडी हाउस पे आ सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आओ होल के अंदर घुस जाओ और प्ले देखो और चले जाओ। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं साउथ इंडियन खाना खाने के लिए। हमारे घर में सिर्फ दो ही हैवी ड्राइवर है, एक मेरे पापा और एक मेरा भैया रजत। ये मेरे पापा स्पीड में धुआंधार गाड़ी चलाते हुए
वैसे व्लॉग में नहीं आ रहे बट गाड़ी एकदम धुआंधार चल रहा है। यो वैसे हमको साउथ इंडियन खाना खाना था लेकिन मेरे को साउथ इंडियन अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आप प्लान चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम आए गणेश कचौड़ी वाले पे कचौड़ी खाने के लिए लक्ष्मी नगर में और ये बहुत फेमस है। तो फाइनली खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। शानुषी को ड्रॉप करेंगे घर पे फिर हम अपने घर पे निकल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तक बाय गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब।